नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश कुमार और आज जोरदार खबरों में आपका स्वागत है। आज अजीत मास्टर जी नहीं है, आज मैं आया हूं आपके समक्ष और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं इलाके की लोकल खबरें, पलवल इलाके की, जैसे कि हतीन, पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, होडल, हसनपुर, मिंडकोला, इधर साइड की हम लोकल खबरें यहाँ पर लेकर आते हैं हर शाम 8 बजे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है पलवल ज़िले की रोडवेज बसों में कोविड 19 के नियमों के तहत सवारियां नहीं कर रही हैं गाइडलाइंस का पालन। रोडवेज बसों में सवारियों को ठूस कर भरा जा रहा है, जबकि गाइडलाइंस ये थी कि एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर एक सवारी बैठेगी, लेकिन यहां पर सवारियों को ठूस कर भरा जा रहा है, कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, कोरोना कोविड 19 की गाइडलाइंस का। तो ऐसा ना किया जाए, सवारियों को डिस्टेंस के हिसाब से बिठाकर ही उनको चलाया जाए। अगली खबर है जिले की कंपनी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई ना होने पर गैस की सप्लाई करने वालों ने दुकानें की बंद। जब ऊपर से ही गैस के सिलेंडर नहीं आ रहे हैं तो जो सप्लाई करने वाली दुकानें हैं पलवल के अंदर और भी बहुत जगह, उन्होंने भी अपनी दुकानों को, अपनी सप्लाई दुकानों को बंद कर दिया है, क्योंकि लोग परेशान करते हैं और जब ऊपर से ऑक्सीजन के सिलेंडर आ ही नहीं रहे हैं तो वो सिलेंडर कहाँ से देंगे। तो यह भी एक दुखद परिस्थिति है कि ऊपर से ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मरीजों के लिए नहीं आ पा रहे हैं। पलवल नागरिक अस्पताल के बाहर भारी अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस को आने जाने में हो रही परेशानी। दोस्तों एम्बुलेंस में कोई इंसान कब चलता है, जब इंसान के शरीर के ऊपर या उसकी मतलब जौ के ऊपर बनी हुई होती है, यानी कि मरने वाला होता है या फिर कोई बीमारी लगी हुई होती है, उसको अर्जेंट इलाज की ज़रूरत होती है, तभी तो इंसान एम्बुलेंस के अंदर चलता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत है। सामाजिक ढांचे के हिसाब से ये एक निंदनीय कार्य है। आप लोगों को कहीं भी एम्बुलेंस मिल जाए तो आपको उसको सबसे पहले जगह देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर न जाने किस तरह का मरीज लेटा हुआ हो, किसको कितनी जल्दी ही हॉस्पिटल में जाना हो, ये कोई पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जहां पर भी आपको कोई भी एम्बुलेंस दिखे उसको सबसे पहले रास्ता दें और उसको निकलने का सबसे पहले मौका दें, जिससे कि किसी दूसरे इंसान की जान बच पाए। अगली खबर है पलवल घुगेरा गांव में हुई मोटर चोरी के मामले में बेवजह नाम आने पर लोगों ने सदर थाने पहुंचकर पुलिस से की न्याय की मांग। ये जो भाई हैं, ये हरपाल जी हैं जो कि घुगेरा गांव के हैं, ये मोटर का सौदा करने के लिए गए थे आज से 1 महीने पहले, लेकिन मोटर का सौदा हो नहीं पाया था तो ये वापस आ गए थे। उसके बाद वो मोटर चोरी हो जाती है और जैसे ही मोटर चोरी होती है तो मोटर मालिकों ने इस हरपाल के ऊपर आरोप लगाया कि मोटर को चोरी करके यही ले गया है। तो यह थाने में आया है हरपाल और थाने में गुहार लगाई है न्याय की कि भाई मुझे न्याय दिया जाए। पुलिस से कहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है मोटर चोरी करने का। अगली खबर है होडल से। होडल थाना पुलिस ने ब्रजपाल राइस मिल ने 2 अधिकारियों पर रिश्वत मांगने को लेकर किया मामला दर्ज। रिश्वत का चलन बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर देख लीजिए, रिश्वत के बगैर काम नहीं होते हैं। तो होडल की राइस मिल में भी रिश्वत लेने के मामले में केस दर्ज किया गया है। अगली खबर है पलवल से। जिला बार के सीनियर एडवोकेट की पत्नी का 43 वर्ष की उम्र में गुरु नानक अस्पताल में कोरोना से हुई मौत। दोस्तों कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत ही फैल रही है, या फिर ये फैलाई जा रही है, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप। तो हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि कोरोना से बचकर रहें, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आप पालन करें, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं कोरोना से बचने के लिए उनका पालन किया जाए और मास्क रखा मुंह पे लगाया जाए और हाथों को बार बार साफ किया जाए, सैनिटाइज से हाथ साफ किए जाएँ, कुल मिलाकर अपना बचाव किया जाए। अपना बचाव करोगे तभी आप आगे सफ़र कर पाओगे। तो जिला बार के सीनियर एडवोकेट वकील साहब की पत्नी थी जो कि 43 वर्ष उनकी उम्र थी, यानी कि बहुत जल्दी उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र में उनको भगवान के पास जाना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ वजह बताई जा रही है कोरोना बीमारी। लेकिन साथियों एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, कोरोना बीमारी एक निमोनिया के जैसी बीमारी है। जैसे निमोनिया में पसलियों में पानी भर जाता है, उसी तरह से कोरोना बीमारी के जो वायरस सिम्टम्स शरीर के अंदर आते हैं तो
पसलियों में पानी भर जाता है। तो जिस तरह से निमोनिया को सही किया जाता है, हो सकता है कोरोना बीमारी उस तरह से सही हो सकती है, जैसे कि पेंसिलिन वगैरह का उपयोग करके। एक डॉक्टर ने बताया था कल, उसका नाम मेरे पास नहीं है, तो फेसबुक पे देखा था, उसका वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि कोरोना तो कोई बीमारी है ही नहीं, इसका तो हवा बनाया जा रहा है, जबकि कोरोना निमोनिया से भी बहुत छोटी बीमारी है। जिस तरह से निमोनिया को ठीक किया जाता है पेंसिलिन की गोली देकर, पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाकर, उसी तरह से इसको भी ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 30-40 पेशेंट ठीक कर दिए, उनको पहले ही पेंसिलिन की गोली दी जाती है और उससे ही वो 30 घंटे या 40 घंटे के अंदर अंदर सही हो जाते हैं। और अगर कोई वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर का मरीज भी उठ सकता है अगर उसको पेंसिलिन के इंजेक्शन दिए जाएं तो। उनका कहना ये था, कुछ देर बाद ही उनका वीडियो फेसबुक से हटा दिया गया था जहाँ पर उन्होंने अपना वीडियो डाला था। तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है, नज़र आती है। तो साथियों, उन चीज़ों का थोड़ा सा पालन करें। दूसरी बात, जो रामदेव ने जो कोरोनिन नाम की दवाई बनाई है, उसके अंदर तुलसी और वो जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप अपने घर पर लाएं और उनका उपयोग करें, इससे ही आपका कोरोना आपके पास फटकेगा भी नहीं, उन्होंने ये बताया था। अगली खबर है, पलवल में आयुष विभाग में गहलब में कार्यरत सीनियर डॉक्टर एस के वर्मा का कोविड-19 के चलते पलवल आइसोलेशन वार्ड में निधन हो गया। डॉक्टर का भी निधन हो गया आइसोलेशन वार्ड में। शायद हो सकता है उन्होंने अपनी केयर नहीं की हो, उन्होंने ध्यान नहीं रखा हो, थोड़ी बहुत तो गलती हो ही सकती है। और डॉक्टर जनता की सेवा करते हैं, शायद हो सकता है कहीं से कोविड-19 का उनको कोई कीटाणु लग गया हो। पलवल जिला अस्पताल स्थित कोविड आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की ज़रूरत को देखते हुए ऑक्सीजन के 200 सिलेंडर मंगाए गए हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है फिलहाल देश के अंदर, और पलवल में स्थित अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत को देखकर 200 सिलेंडरों को मंगाया गया है, जिससे कि जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनके लिए उनका प्रयोग किया जाए। पलवल के गुरु नानक अस्पताल में 60-वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत। गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर बताया जा रहा है कि 60-वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना की बीमारी से के चलते हुए हो गई है। तो साथियों, यह थी आज की खबरें, और हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और हम इसी तरह से रोज़ शाम को 8 बजे यहाँ पर लोकल इलाके की खबरें लेकर आपके समक्ष आते हैं। और दिन अजीत मास्टर होते हैं, आज मैं आपके समक्ष यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।